शिवपुरी जिले में पानी की तलाश में एक जंगली भालू गांव में घुस आया। उसने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। भालू के हमले में महिला, पुरुष और बच्चों के साथ करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना शिवपुरी जिले के बैराट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गाजीगढ़ की है, जहां पर आदिवासी बस्ती में गांव जंगल से लगा हुआ है। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे पानी की तलाश में भालू ने सार्वजनिक पानी की टंकी पर पानी भर रहे ग्रामीणों पर पीछे से हमला बोल दिया। इसमें पुरुष और बच्चों के साथ 8 लोग घायल हो गए। हमले में बद्री आदिवासी उम्र 70 साल बुरी तरह घायल हो गया। वहीं हां, भालू के हमले में गाजीगढ़ और पिपरौदा गांव के 8 ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सुबह 7 बजे जंगली भालू गाजीगढ़ गांव में घुस आया था और उसने आते ही गांव के घरों में कहर बरपा दिया। गाजीगढ़ आदिवासी बस्ती के घर में सो रहे बद्री पुत्र गंजू आदिवासी को बुरी तरह घायल करने के बाद दूध लेने जा रहे राकेश पुत्र छनकी आदिवासी और टंकी पर पानी भर रही शगुन शर्मा सपना आदिवासी 10 वर्ष पानी भरने गए विजय पुत्र मुन्ना लाल धानू को भालू ने काटकर घायल कर दिया। वहीं पिपरौदा गांव में शौच के लिए गए प्रहलाद और सपना खंगार को घायल कर दिया। वहीं वन विभाग के डिप्टी रेंजर अशोक कुमार बंसल ने बताया कि गर्मी के कारण संभवतः भालू पिपरौदा तालाब में पानी पीने आया होगा। इधर जंगलों में भालू कभी नहीं देखा गया। सब रेंज बैराट उत्तर से लगी कुनो सेंचुरी से भी भालू यहां पर आ सकता है। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल शर्मा। अच्छा, ये किसने खा लिया इन्हें? लेडीज ने। कैसे खा लिया? अरे पानी भर रहे वो पे आए गए एकदम पीछे से बस अटैक कर दो। कितने लोगों को खा लिया? बहुत लोग हैं, 8-10 लोग हैं। 8-10 लोगों को आदिवासी जाना खा ले। अच्छा, कौन सी जगह? गाजीगढ़ ये वदी के पास। रीच ने। किसने काट लिया आपको? कितने लोगों को काट लिया? आठ दस आदमी का लिया। रीच था? रीच। क्या नाम है आपका? सकुन।